बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि 504 का जो है असाइनमेंट का क्वेश्चन का आंसर कब तक मिलेंगे। तो आज हम इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चनों का आंसर लाए हैं 504 के लिए। यदि 505 का भी चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा 505 के लिए, और इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए अभी, ताकि वैसे स्टूडेंट जो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं अपने असाइनमेंट को, उनको यह वीडियो मिल जाए और वह सॉल्व कर सकेंगे। क्योंकि हम इस वीडियो में आज जो लाए हैं आपके लिए आंसर लाए हैं असाइनमेंट का, जो आपको काफ़ी मदद मिलेंगे इसको देखने के बाद। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड या पाउज करके ना देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो छोटी छोटी बात बीच में बताई गई है, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आप जान पाइए कि हमें कहाँ कहाँ पर कोई क्या क्या चीज़ बदलने हैं। और सबसे खास बात यह बता दें कि यह जो हमारे सोचने का तरीका से है, आप क्या सोचते हैं हमें नहीं पता, इसीलिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि असाइनमेंट का क्वेश्चन सबसे पहले आप अपने भाषा में, अपने ही लैंग्वेज में लिखे, किसी का सहायता ना ले, ना ही बुक का सहायता ले, ना ही किसी बातों का सहायता ले, जो आप सोचते हैं उसी के हिसाब से ले। हम ये नहीं कहते कि हमारा ये असाइनमेंट यदि आप पूरा का पूरा कॉपी कर दीजिए तो गलत हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है, गलत नहीं होगा, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन करके लिखिएगा तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेटर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के सेक्शन पर आपके लिए क्या आंसर रखी गई है। उससे पहले आप सभी को वेलकम करते हैं, वेलकम टू आवर डिजिटल क्लास, हमारे डिजिटल क्लास में आप सभी को स्वागत करते हैं। यहाँ जो हम लोग आज जो टॉपिक्स में बात करने वाले हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एडुकेशन, जिसको शॉर्ट में डीएलएड के नाम से जानी जाती है, वैसे स्टूडेंट वैसे कैंडिडेट वैसे टीचर्स जो एनआईएस से कर रहे हैं, उनके लिए आज बहुत ही एक बेहतरीन खुशखबरी है कि आपके रिसर्च क्लास में आप सभी के असाइनमेंट को सॉल्व करके लाए हैं, जो कि हम लोग 504 के बारे में बात करने वाले हैं। 504 का जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आप तक पहुँचा रहे हैं। तो चलिए आज के इस सेक्शन पर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के इस सेक्शन पर क्या रखी गई आपके लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, फास्ट फॉरवर्ड ना करें। जैसे कि आप सभी को पता है कि पाठ्यक्रम जो है 504 प्रारंभिक स्तर पर गणित सीखना, इसमें जो कुल जो 30 मार्क्स का रहेंगे, जिसमें से असाइनमेंट वन में आपको दो क्वेश्चन बनाने, असाइनमेंट वन में वन क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, इसके लिए 5 नंबर आपको दी जाएगी। तो हम लोग जो है यहाँ पर बात करते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ और एक क्वेश्चन और में दी गई, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखी हुई है, बच्चे अपने वातावरण की सहायता से गणितीय ज्ञान को समझते हैं, यह जो स्टेटमेंट दिया गया इसके संदर्भ में प्राथमिक शिक्षक होने के नाते बच्चों द्वारा गणित ज्ञान के अर्जन में अपनाए जाने वाले युक्तियों का वर्णन कीजिए। कहा जा रहा है कि एक स्टेटमेंट दिया गया है कि बच्चे जो भी होते अपने वातावरण, मतलब कि क्वेश्चन को सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी सी हम समझते, ताकि आपको समझ में आ जाए तो अपने से आप सॉल्व कर सकते, बाकी तो मेरा आंसर है ही है। तो कहा जा रहा है इसमें क्वेश्चन में कि जो भी बच्चा को अगर गणित सीखते हैं तो उसका इन्वायरमेंटल, मतलब उसका जो है अपना वातावरण बहुत ज़्यादा मायने रखते, बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। यह बात जो 100% सही कही गई है कि जो भी मैथमेटिक्स या कोई भी सब्जेक्ट को कोई भी बच्चा पढ़ते हैं तो उसका वातावरण जो है, उसका एनवायरमेंटल, वो कहाँ रहता है, कहाँ पलता है, यह चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिपेंड करता है उसके माहौल पर। क्योंकि बच्चा जिस माहौल पर रहेंगे उसी के हिसाब से वो सीखते हैं, आप सभी को भी पते होंगे। उसके बाद यहाँ पर जो लिखे हुए आगे में, इस कथन के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षक होने के नाते बच्चों द्वारा गणित ज्ञान के अर्जन में अपनाए जाने वाली युक्तियों का वर्णन कीजिए। मतलब कि यदि आप बच्चों को गणित सिखाइएगा तो आप एक शिक्षक होने के नाते, प्राथमिक टीचर होने के नाते, प्राइमरी टीचर होने के नाते, आप बच्चों को क्या क्या चीज़ का सुविधा दीजिएगा, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ेगा, क्या क्या उपकरण लगाइएगा, कैसे बच्चों को आप मैथमेटिक्स सिखाइएगा, उसी का युक्ति के बारे में पूछी गई कि आप जो क्या क्या चीज़ आइडिया लगाइएगा, ताकि बच्चे आसानी से आसानी और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक याद रख सके और अच्छी तरह से पढ़ सके। तो इसे यह जो है क्वेश्चन, यही कहा जा रहा है कि अपने भाषाओं में व्यक्त करें, ना कि किताबी भाषाओं में। तो आइए हम अपनी भाषाओं में हम व्यक्त क्लियर करते हैं और बताते हैं आपको कि हम क्या सोचते, आप क्या सोचते हमें नहीं पता, इस चीज़ को खास ख्याल रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह जो हमारा आंसर है,
तो यह जो आंसर है, सबसे पहले जो यहाँ पर हम लोग असाइनमेंट का जो पेपर आता है उस पेपर पर हम लोग जो है रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं, उस पेपर पर हम लोग असाइनमेंट बना रहे हैं। आप जो क्लासमेट का भी कॉपी में बना सकते हैं, इस टाइप का पेपर भी आप खरीद के जो है बना सकते हैं, जैसे चाहिए वैसे बना सकते हैं। बट शर्ते साइज आप ध्यान रखिए, A4 साइज का पेपर होना चाहिए, पेपर में आप कमी ना करें, पेपर जो हमेशा एक साइज का ही पेपर आप खरीदें उसी पर बनाएं। हम इसमें बना रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग कर रहे हैं। हमारा पिछला जो था 501, 502 और 503 में, वह जो था यह आपका क्लासमेट का कॉपी में था, आप इसमें भी बना सकते हैं, क्लासमेट में भी बना सकते हैं, आप जैसे चाहिए उसी के हिसाब से आप बना सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जो है यहाँ जो इस क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर दिया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर बच्चे अपने वातावरण की सहायता से गणित ज्ञान को समझते हैं। इस कथन के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षक होने के नाते बच्चों द्वारा गणित ज्ञान के अर्जन में अपनाए जाने वाली युक्तियों का वर्णन कीजिए। एक चीज खास यहाँ पर ख्याल रखिएगा कि यह जो आपको 250 वर्ड्स में नंबर ऑफ वर्ड्स जो है 250 वर्ड में आपको पूछी गई, इसका आंसर जो है 250 वर्ड्स में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसका उत्तर जो है हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं और समझते जाते हैं। इसमें से क्या होगा, समझने से क्या होगा, आप खुद से अपने से आप इसमें लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन को यदि अच्छी तरह से समझ जाइएगा तो इसको देखने का जरूरत नहीं, कहीं के बार आप अपने से चेंज कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते चलते, आंसर को समझते चलते और देखते चलते, वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। आपको हम बताएंगे कहाँ कहाँ पर आपको जो है कौन कौन सा वर्ड को आपको बदलनी है, कहाँ कहाँ पर चेंज करने। तो पहला यहाँ पर लिखे, जैसा हम सभी जानते हैं कि जब गणित की बात कही जाए तो हर बच्चा गणित से डरते हैं, ये बात सच है। जब कभी भी जोड़ घटा गुना भागा के यदि बात करते हैं गणित के बारे में, मैथमेटिक्स, तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, मैक्सिमम बच्चे होते हैं कि जो गणित से डरते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गणित को इंटरेस्टेड बनाते हैं, लेकिन यह बात सत्य है कि वह उसका वातावरण पर डिपेंड करते हैं। लेकिन गणित का सब्जेक्ट को इंटरेस्ट कैसे बनाइएगा, इसी के बाद से बारे में यहाँ पर नीचे चर्चा करनी है आपको, कि गणित को एक ऐसा सब्जेक्ट बना दीजिए जो बच्चा ऑटोमेटिकली गणित को अपनाने लगे। तो क्या क्या युक्ति आप अपनाइए कि बच्चे गणित को पढ़ने में जिज्ञासा जगाने लगे और वो खुद ब खुद गणित के पास आए, गणित उसके पास नहीं जाए, गणित के पास वो बच्चा खुद ब खुद चल के दौड़ के आ जाए। तो वही युक्ति हम लोग अपनाए। नेक्स्ट लिखे गए, बच्चे का जीवन प्राकृतिक और समाज में बीतता है, ये बात सही है। बच्चा का, कोई भी बच्चा का जो जीवन होते हैं प्राकृतिक और समाज में बीतता है। यहाँ पर एक चीज़ बताने भूल गई, एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर गणित के बारे में कही गई, इसीलिए हम थोड़ी सी अपनी गणित सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद इसके बाद अपना हम भाषा में व्यक्त करेंगे। इसे सबसे पहले समझते कि गणित जो होता है वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसी के बारे में सबसे पहले छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन हम लोग को देनी पड़ती है। यहाँ पर जो है बच्चे का जीवन प्राकृतिक और समाज में बीतता है, इसीलिए प्राथमिक शिक्षा प्राकृतिक और समाज में संबंध स्थापित करती है, ये बात सही है। यह जो बच्चा का कोई भी जीवन होता है उसका समाज में ही बीतता है, इसीलिए प्राथमिक शिक्षा का प्राकृतिक समाज में संबंध स्थापित, दोनों जो एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप होते हैं, समाज का और प्राकृतिक रिलेशनशिप का, और उद्योग की वृद्धि में सहायक है। और उद्योग की वृद्धि में सहायक है मतलब कि कोई भी अगर आगे कुछ बढ़ना चाहता है तो उसमें काफी मददगार होते हैं। नेक्स्ट लिखे गई है, बच्चों को प्राकृतिक घटनाओं जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, तारे के निकलने, तारों के निकलने का समय, उनकी स्थिति तथा दिशा, ऋतुओं तथा वर्षा आदि के ज्ञान की आवश्यकता होती है जो कि गणित के माध्यम से ही संभव हो पाती। कहा जा रहा है जैसे कि सूर्य कितना बजे उगती है, कितना बजे डूबती है, सूर्य को आने के लिए कितने टाइम लगते हैं, इन सभी को कैलकुलेशन करने के लिए जो गणित को ही बीच में लाने ही पड़ते हैं। बिना गणित मैथमेटिक्स का आप किसी का टाइम नहीं निकाल सकते, किसी का समय नहीं निकाल सकते। को बात कहते हैं ऋतुओं के, तो ऋतुओं जो मौसम होते हैं, कितना दिन बाद कौन सा आएंगे, यानी कि मैथमेटिक्स के बिना कुछ भी आपका संभव नहीं है। कैलकुलेशन आपको करने ही पड़ेंगे, जोड़ घटाव गुना भागा करना ही पड़ेगा। मैथमेटिक्स को जो है एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट माध्यम मानेगी। आगे देखते हैं आगे क्या लिखी हुई है, बच्चे अपने वातावरण की सहायता से गणित ज्ञान को समझते हैं, यह कथन बिल्कुल भी सही है, सही कहा जा रहा। यह जो स्टेटमेंट दी गई थी, बच्चे अपने वातावरण की सहायता से गणित ज्ञान को समझते हैं, यह स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है, क्योंकि गणित के शिक्षक माता पिता
यदि बच्चे को गणित सिखाते समय गलती होने पर आंख दिखाई, मतलब कहा जा रहा है कि जो गणित का जो टीचर होते हैं, आप देखे होंगे यदि यदि कोई गणित पढ़ाते हैं, ठीक है, यदि कोई गणित का टीचर है और गणित का कोई पढ़ाते हैं, तो यदि बच्चा कोई बच्चा समझ नहीं पाता है, दोबारा पूछते हैं, तो बच्चे को जो है तो उस टीचर डांटने लगते हैं, आंख दिखाने लगते हैं, माता पिता भी उनको डांटने लगते हैं, नहीं समझ में आता है तो उसके लिए यहाँ पर जो है थोड़ी सी हम लोग जिक्र किए। फिर उसे मारे तो, और फिर कहा जा रहा है कि गलती की है तो फिर उसको आंख भी दिखाते हैं, उसको पिटते भी हैं बच्चों को, तो यह इसमें कहा जा रहा है। तो बच्चा जो है पहले अपने गणित सिखाने वाले से डरने लगता है, मतलब कि यदि आप गणित सिखाते हैं, अगर आप बच्चों को आंख दिखाइएगा मारिएगा तो आपसे पढ़ने के लिए वो नहीं चाहेगा। सबसे पहला इम्पोर्टेंट कि आपसे वो पढ़ना नहीं चाहेंगे, यदि आप गणित को सिखाते हैं और उनको बच्चों को मारते हैं पीटते हैं तो आपसे नहीं पढ़ने खोजे। इसीलिए यहाँ पर लिखिए कि बच्चा पहले पहले गणित सिखाने वाले से डरने लगते हैं, मतलब जो सिखाते हैं उन्हीं से डरने लगते हैं। बाद में क्या होता है, फिर बाद में गणित विषय से ही इसे डर लगता है, गणित पढ़ना नहीं चाहता है। मतलब बाद में क्या होता है, पहले तो अपने शिक्षक से या जो उसको सिखाते हैं उनसे डर लगने लगता है, बाद में उनको इंटरेस्ट जो गणित के सब्जेक्ट से ही बेकार लगने लगता है कि गणित बेकार चीज़ है, गणित हमको नहीं समझ में आते। क्योंकि हम लोग भी बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाएं जो कि गणित में काफ़ी कमज़ोर होते, काफ़ी वीक होते हैं, तो इसी के माध्यम से तो बच्चों को ऐसा प्यार से इसे समझाइए कि गणित को आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप एक प्राथमिक शिक्षक होने के नाते गणित को कैसे आप इंटरेस्ट बनाइए, किस भांति क्या क्या आप युक्ति लगाइएगा कि कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए जिज्ञासा हो जाए, गणित के पास बच्चा खुद ब खुद आने लगे, आप मत जाइएगा यानी कि गणित उसके पास नहीं जाएगा, गणित के पास खुद बच्चा आने लगेगा, तो क्या क्या युक्ति अपनाइएगा। तो आइए नीचे देखते हैं, नीचे में क्या क्या युक्ति के बारे में चर्चा की है। हम एक प्राथमिक शिक्षक होने के नाते बच्चों द्वारा गणित ज्ञान के अर्जन में अपनाए जाने वाली निम्नलिखित युक्तियाँ इस प्रकार हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो है अधिगम उपकरण। अधिगम के लिए क्या क्या उपकरण चाहिए, यानी कि अगर गणित सिखा दे तो उसके लिए क्या क्या उपकरण लेना पड़ेगा हमें। जैसा हम सभी जानते हैं कि बच्चे को गणित सिखाने के लिए एक फ्लैक्स कार्ड होता है, जो कि मतलब उसमें जैसे कि कैट है तो उसको बच्चों को जो है दिखाया जाता है कि बताइए ये क्या है, जैसे सी लेटर है सी के बगल में, तो इस तरह से बच्चों को फ्लैक्स कार्ड के माध्यम से भी पढ़ाया जाता है। फिर किसी चीज़ का चित्र ले आए, मानचित्र ले आए, किसी प्रकार का कोई भी चित्र ले आए, उस चित्र को दिखा दिखा के आप मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं, कुछ भी चीज़ आप पढ़ा सकते हैं। एक चार्ट ले आए, चार्ट को भी चार्ट आता है मैथमेटिक्स से, जैसे टेबल चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, तो इस तरह से करके चार्ट। या कैलेंडर ले आए, कैलेंडर में भी 1, 2, 3, 4 बहुत सारा जो है उसमें 30 तक 31 तक नंबरिंग रहता है, उससे भी मैथमेटिक्स पढ़ाया जा सकता है। या तो ताश के जो पत्ते होते, गड्डी होते, ताश के जो कार्ड्स होते हैं उससे भी बहुत सारा कैलकुलेशन किया जाता है। या कोई भी डब्बा, छोटे छोटे जो डब्बे होते उस डब्बे से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये इत्यादि का प्रयोग कक्षा कक्ष में दिखाकर कराए जाने से भी बच्चे गणित बहुत जल्दी सीख जाते हैं। यदि आप इस सब की इंस्ट्रूमेंट का अगर यूज़ करते हैं, बच्चों को दिखाते हैं बार बार, तो बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी तरह से सीख जाते हैं। हम एक शिक्षक होने के नाते गणित से संबंधित कई क्रियाकलाप तैयार करेंगे तथा उन्हें अधिगम के वक्त बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे बच्चों को सिखाने में मदद मिले। तो कहा जा रहा है यहाँ पर हम लोग बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है अपना जो है कार्ड्स हुआ, फ्लैश कार्ड हुआ, चित्र हुआ, या तरह तरह का जो है हम लोग बच्चों के सामने व्यक्त करेंगे, जिससे बच्चों को सीखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेंगे। दूसरा क्या लिखे, दूसरा पॉइंट आइए देखते हैं, मनोरंजन गतिविधि का प्रयोग करना। मतलब कुछ भी चीज़ अगर बच्चों को जैसे कि खेलने के लिए देते हैं, तो बहुत सारा जो बच्चे होते हैं खेलने में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, तो उसी के विषय में कैसे कैसे खेलते खेलते कैसे गणित सिखाएंगे उसी के विषय में यहाँ पर कही गई। तो चलिए समझते हैं इसके विषय में। जैसा आप सभी जानते हैं कि बच्चों को खेलने में बहुत मज़ा लगता है, बहुत इंटरेस्ट लगते हैं, बच्चों को खेलने दीजिए तो बहुत मज़ा लगेगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए गणित सिखाते समय गणित क्लब की स्थापना करेंगे। मतलब गणित क्लब की स्थापना करेंगे मतलब कि ग्रुप में बच्चों को बांटेंगे, ग्रुप बाय ग्रुप जो है क्लब बनाएंगे मैथमेटिक्स के लिए, और अलग अलग तरीके से बनाएंगे। फिर गणित प्रश्नोत्तरी, प्रश्न बैंक विकास जैसे कि लिखित मौखिक कार्य निष्पादन का प्रयोग करेंगे तथा मौखिक अंक गणित पर प्रतियोगिता का आयोजन करना, गतिविधियों संग्रह
यार्ड प्रश्नों उत्तर जैसे खेल के माध्यम से बच्चों को गणित सिखाएंगे। यानी कि इसमें जो कहा जा रहा है कि जब भी बच्चों को सिखाते हैं तो तरह तरह का युक्तियाँ आप अपनाएं, जैसे कि ग्रुप में बांट दीजिए, प्रश्न बैंक का विकास कीजिए, प्रश्न बैंक मतलब कुछ क्वेश्चन पूछिए बच्चों को, बच्चा इंटरेस्ट के साथ जवाब देंगे, कुछ टॉफी लाइए बच्चों को बताइए कि कुछ कोई जो भी बच्चा आंसर देंगे उसको हम टॉफी के जरिए उसको देंगे। तो मतलब कुछ कुछ खाने पीने का भी सामान आप लालच देकर बच्चों को गणित सिखा सकते हैं। या सस्ते में टॉफी लेते आइए, टॉफी को दिखा दिखा के उसको मतलब बच्चों को पढ़ा पढ़ा दिखा दिखा के आप सिखा सकते हैं कोई भी मैथमेटिक्स को। उसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया कि मनोरंजन के माध्यम से भी आप किसी भी बच्चों को आप मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही कम समय में सिखा सकते हैं। नेक्स्ट जो दिए हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट दिए एवोकस के माध्यम से ज्ञान। तो एवोकस क्या होता है इसके बारे में थोड़ी से हम लोग समझते हैं। एवोकस एक ऐसा है जो कि आप सभी को पता है, यदि आप कंप्यूटर जानते होंगे तो कंप्यूटर जानते हैं। तो सबसे पहले जो है एवोकस का निर्माण किया गया था, कंप्यूटर्स को आने से पहले एवोकस से ही जितने भी डिवाइसेस से जितने भी कैलकुलेशन किया जाता था सब इसी के माध्यम से। तो अभी जो है बहुत सारे स्कूल में जो है हमारे पास भी एवोकस से जितने भी बच्चे हैं सब सारे लोगों को एवोकस के माध्यम से ही सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। क्योंकि इससे क्या होता है बच्चों में जो होते हैं बहुत जल्दी उनके माइंड को डेवलप करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन कर पाते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि बच्चों का अभी दिमाग को भड़क मतलब खराब करने के लिए या तो सोचिए कि डायवर्ट करने के लिए जो है बहुत सारा जो है खुल गए हैं सामान खुल गए। जैसे कि सबसे पहले तो मोबाइल फोन एक ऐसा फोन से जो कि अभी आप देखेंगे जो भी बच्चा पैदा होता है तो बच्चा को पैदा होते ही मोबाइल से ही खेलने के लिए दे दिया जाता है। लेकिन मोबाइल से कितना नुकसान होता है इसको उसके बारे में नहीं पता है। बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए जिससे उसके माइंड पर पढ़ने के जिज्ञासा पर उसका जो है असर पड़ते हैं डायरेक्टली। तो इसके विषय में जो है ज़्यादा जानने के लिए जो है इस विषय में ये जो टूल्स होते हैं इसी टूल से मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन किया जाता है। तो आइए इसके विषय में थोड़ी सी समझते हैं और उसके बारे में फिर हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये जो एवोकस होते हैं इसको जो किनारे किनारे जो आप देख पा रहे हैं इसको जो हम लोग कहते हैं बॉर्डर, एवोकस बॉर्डर, या कह सकते हैं फ्रेम, दिस इज एवोकस फ्रेम, इसको एवोकस फ्रेम कहते हैं। यह जो होता है रट्स होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 रट्स होते हैं। और यह जो होता है गोल गोल सब, ये सब बिट्स के नाम से जानते हैं। ये सब जो होते हैं बिट्स कहा जाता है, बिट्स कहा जाता है, लोअर बिट कहा जाता है इसको, और ये सब अपर बिट कहा जाता है। लोअर बिट और अपर बिट, लोअर बिट का वैल्यू होता है 111 और अपर बिट का वैल्यू होता है 555। इस टाइप के बिट्स के बारे में होते हैं। एक छोटी सी वीडियो को प्रोवाइड कर रहे हैं आपको आपको तो आप इस वीडियो के माध्यम से इस एवोकस के बारे में थोड़ी सी आप जानकारी ले लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग इस टॉपिक्स पर लौटते हैं। तो चलिए उस वीडियो को थोड़ी सी हम लोग देखते हैं फिर हमारा टॉपिक्स में आते हैं। यही एक एवोकस है, इसी से बच्चों को जो है पढ़ाया जाता है। हमारे स्कूल में जो है इसी से सारे बच्चों को, जो हमारे क्लास में जो है सारे बच्चों को इसी से ही पढ़ाए जाते हैं। इसी को जो है एवोकस होते हैं जो कि बच्चों को गणित सिखाने के लिए काम आते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यह एवोकस जो है दो तरह का यहाँ पर इंडिया में अवेलेबल है, एक इस टाइप से और एक जो है इस टाइप से अवेलेबल है इंडिया में। इस टाइप से आप देख पा रहे हैं दो टाइप के यहाँ पर है एवोकस। एवोकस जो होता है इसी को कैलकुलेशन करने के लिए काम आते हैं, जो कि मैथमेटिक्स का जो है 70% जो मैथमेटिक्स आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इसी के डिवाइस के जरूरी इसी के डिवाइस के माध्यम से। तो यहाँ पर जो दो प्रकार के हम लोग यूज़ करते हैं, दो प्रकार से आपको यहाँ पर जो है दो प्रकार का देखने के लिए मिलता है इसी दो प्रकार को। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बेसिक नॉलेज जान जाते हैं, ऐसे तो इस वीडियो में पूरा डिटेल नहीं बता पाएंगे। यदि इसके बारे में जानकारी ज़्यादा चाहिए तो आप हमें अलग से कमेंट करके बताइए, हम आपको स्पेशलिस्ट इसका कैसे कोर्स किया जाता है, बच्चों को कैसे सिखाया जाता है पूरा कंप्लीट इसके बारे में हम लोग बताएंगे। तो यहाँ पर जो है यज देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर जो इसको जो है पूरा जो कंप्लीट होते हैं यह जो है कहलाता है एवकस। एवकस का जो है यह जो है बॉर्डर कर सकते हैं आप इसको या फ्रेम कर सकते हैं, दिस इज एवकस फ्रेम। और यह होता है आपका मिडिल बार कहते हैं, इसको मिडिल बार के नाम से जाना जाता है। और जो है यहाँ जो देख रहे होंगे ये ब्लैक ब्लैक कलर का यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे इसको रड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं इसको जो है रड के नाम से जाना जाते हैं। और ये सब जो देख रहे हैं इसको जो है नीचे वाला को बिट के नाम से जानते हैं, बिट्स।
इसको जो बोलते हैं लोअर बिट्स कहा जाता है, और इसको जो है अपर बिट्स कहा जाता है। इसी से सारा कैलकुलेशन को किया जाता है। जैसे कि छोटी सी अगर कैलकुलेशन अगर हम लोग करने की अगर बात करते हैं, तो आइए हम लोग थोड़ा सी कैलकुलेशन इसमें कर लेते हैं कि किस टाइप से कैलकुलेशन किया जाती है। तो इसमें जो है यहाँ आप देख पा रहे हैं जो एक पॉइंट दी गई है, इसी को हम लोग जो कहते हैं यूनिट पॉइंट के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत सारा जो है यहाँ पर दी गई व्हाइट व्हाइट कलर का, तो इसी को जो है यूनिट पॉइंट पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो है यहीं से कैलकुलेशन इसका किया जाता है इसी डिवाइस के बारे में। यदि इसका कैलकुलेशन आप जानना चाहते हैं तो कमेंट लिखना ना भूले, कमेंट लिख के बताइए, हम आपको कैलकुलेशन बताएं। तो यह जो है डिवाइसेस इसी से बच्चों को सिखाया जाता है, इसी के बारे में इस असाइनमेंट पर हम लोग कुछ जिक्र कर दिए, इसी असाइनमेंट पर। तो इसी असाइनमेंट पर हम लोग जिक्र किए हैं। जैसे कि आपने वीडियो को देख लिए और आपको समझ में आ गए होंगे कि एबकस क्या होता है। एबकस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बच्चों को जो है अभी कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया जाता है। यदि आप अपने स्कूल में यदि इस डिवाइस का इस टूल्स का यूज़ नहीं करते हैं, तो अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको इसका वीडियो चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो टीचर ट्रेनिंग का भी कोर्स लागू किया गया है, तो हम लोग जो टीचर ट्रेनिंग को भी करवाते हैं, टीचर को जो है ट्रेंड करवाते हैं एबकस के माध्यम से, जो ट्रेंड करवाते हैं, जो हमारे पास बहुत सारे स्कूल के टीचर आते हैं पढ़ाने पढ़ने के लिए और सिखा के हम लोग भेजते हैं, ताकि वो अपना स्कूल में एबकस अपने बच्चों को सिखा सकते। लेकिन आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, आप आ नहीं सकते हमारे पास, ऑफलाइन आ नहीं सकते। तो यदि आप सीखना चाहते हैं कि हाँ हमें भी एबकस सीखना है, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलें। हम आपके लिए स्टेप बाय स्टेप, लेवल बाय लेवल जो हम आपको बताएं कि एबकस कैसे सीखा जाता है, और आप सीख के आप अपने बच्चों को स्कूल में अब कोचिंग सेंटर पर आप अपना पढ़ा सकते हैं बच्चों को, और बहुत ही फास्ट कम समय में आप कैलकुलेशन को सिखा सकते हैं आप किसी भी चीज़ को। तो कमेंट लिखना ना भूले यदि आप चाहिएगा तो। हम इसका जो टोटल 8 लेवल का पढ़ाए होते हैं, ये जो एबकस है टोटल 8 लेवल होते हैं। 8 लेवल को बच्चों को क्रॉस करने होते हैं, जो कि 8 लेवल जो बच्चा क्रॉस कर जाते काफ़ी इंटरेस्ट काफ़ी फास्ट हो जाते हैं, कैलकुलेटर से भी तेज वो गुना भागा जोड़ घटा 70% मैथमेटिक्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग इस यह भी एक माध्यम है जो कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए युक्ति है। तो यह भी जो है आप इस फिगर को अपना जो असाइनमेंट पे ड्रॉ जरूर कर लीजिएगा। ड्रॉ करने के बाद इस टूल्स के बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी जिक्र करते हैं, उसके बाद हम लोग अंतिम निर्णय पर पहुँचते हैं। यहाँ पर देखते हैं यह एक वैसा टूल है जहाँ पर कोई भी बच्चा बिना लिखे हुए, याद रखिए बिना लिखे कुछ नहीं लिखेंगे, फिर भी लिखे हुए, बिना लिखे हुए कोई भी जोड़ गुना भाग इत्यादि कर सकता। कुछ भी अगर आप बच्चों को पूछिएगा डायरेक्टली मौखिक पर जवाब देगा, कोई कैलकुलेशन नहीं, डायरेक्ट आप इधर से पूछिए उधर से डायरेक्ट आंसर, बस अरते बच्चों को सही से उसको सिखाइए, तो ऑटोमेटिकली इस यह एक बहुत ही इंटरेस्टेड टूल से जो भारत में बहुत ही कम जगह इसके बारे में जानकारी है। तो कितने लोगों को एबकस के बारे में जानकारी, हमें कमेंट लिख कर जरूर बताइए कि हाँ हमें आता है क्या एबकस, हाँ हमें नहीं आता एबकस, तो यह लिख कर कमेंट पर हमें जरूर बताइएगा। आगे लिखे हुए वो भी बिना गलती किए हुए, यानी कैलकुलेटर से भी फास्ट कैलकुलेशन कर सकता है। हम एक शिक्षक होने के नाते बच्चों को इसी टूल्स के माध्यम से गणित सिखाएंगे, जिससे कोई भी बच्चा बहुत ही आसानी से सीख जाता है और वह पढ़ाई से कभी उबता भी नहीं है। इस टूल से गणित का 70% भाग बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, मतलब आसानी से 70% जो मैथमेटिक्स, मतलब जितने भी कैलकुलेशन होते हैं सारे कैलकुलेशन आप उस डिवाइस के माध्यम से कर सकते हैं, जो आप पीछे देखिए उस डिवाइस के माध्यम से जो है उस टूल्स के माध्यम से कर सकते हैं। आगे नीचे क्या लिखी हुई है आइए देखते हैं। उपयुक्त दिए गई युक्तियों को अपनाने के बाद कोई भी बच्चा आसानी से गणित सीख लेंगे। हाँ हमें शुरुआत में थोड़ी सी संकट की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन फिर भी हम एक शिक्षक होने के नाते भ्रम या अंधकार को भी दूर करने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही राय से हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि दोनों के भेदभाव से ही गणित सही ज्ञान अर्जन किया जा सकता है। यानी कि हम छोटी सी यहाँ पर एक निष्कर्ष दिए, निष्कर्ष में यह लगा कि गणित को सिखाने के लिए स्टूडेंट और टीचर्स दोनों को मिल के यहाँ पर रहने पड़ेंगे, मिल के सीखने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर सीखने के लिए तैयार नहीं तो आप भी उसको सिखा नहीं सकते।
लेकिन क्यों नहीं सिखा सकते, उसका आपको कमी ढूंढना है ताकि बच्चा खुद ब खुद आने लगे। तो यह जो टूल्स है, इस टूल्स को यदि कोई भी बच्चा को दीजिएगा, हमारे पास जितने भी बच्चे हैं 90% स्टूडेंट का मैथमेटिक्स बहुत ही फास्ट हो चुके हैं। यदि आप इस टूल्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलें, हम आपको बताएंगे इसका स्टेप बाय स्टेप। टोटल 8 लेवल का पढ़ाई हम आपको बनाएंगे और आपको हम टीचर बना देंगे इसमें, एबाकस टीचर्स के नाम में बन जाइएगा। तो हमें कमेंट लिखना ना भूलें। तो यह जो था प्रश्न 1 का आंसर था, पूरा कंप्लीट हो चुके। यहाँ पर ध्यान रखिए, जब आपका कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पर जो है क्लोजिंग बॉर्डर डालना ना भूलें। उसके बाद यहाँ अगर जगह खाली है तो इस पर कोई भी चीज़ का ना लिखें, हमेशा टॉप पेज का, हमेशा फ्रंट पेज का यूज करें। तो यह था जो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर था, जो कि आप देखें। यदि आप दूसरा क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो हमें कमेंट लिखकर जरूर बताइए कि हाँ हमारे पास जो है दूसरा आंसर दीजिए, तो हम जल्द से जल्द आपके पास कोशिश करेंगे कि आपको मिल जाए, क्योंकि हमारे पास सारा ये सब जितना आप देख रहे हैं सारा का सारा आंसर तैयार हो चुके हैं, बशर्ते आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके शेयर्स का जरूरत है। क्योंकि जैसा वीडियो को अगर डिमांड ज़्यादा आया तो भी हम अगला आंसर अपलोड करेंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जितना ज़्यादा कमेंट होते हैं, जितना शेयर होते हैं, जितना लाइक्स होते हैं, उसके हिसाब से हमारे पास जो वीडियो अवेलेबल होते हैं। धीरे धीरे आप लोग की इच्छा खत्म होने लगते हैं, वीडियो भी हमारा आना बंद हो जाते हैं। सिंपल सा बात है, आप लोग में इंटरेस्ट खत्म। अगर आप में इंटरेस्ट खत्म हो गया तो हमें अपलोड नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जो है चाहते हैं कि सारे लोगों को पहुँचे यह वीडियो। तो यदि इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पर लिखे होंगे क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप चाहिएगा इसको प्रिंट करवाना तो प्रिंट भी करवा सकते हैं, आप चाहिएगा मोबाइल पर सेव करना तो मोबाइल पर सेव कर सकते हैं, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, एवरी टाइप्स ऑफ डिवाइसेस पर सेव कर सकते हैं। लेकिन एक बात को ख्याल रखिएगा, जब भी आप इसको प्रिंट करवाते तो इसी को जमा ना कर दें, आप अपने हैंड राइटिंग के माध्यम से हाथ से आप इसको ड्रॉ करें। जितने भी आप देख पा रहे हैं यह भी डिजाइन जो है स्केल के माध्यम से और हाथ के माध्यम से, पेन के माध्यम से ड्रॉ की गई है। तो आप भी इसको ड्रॉ करें, प्रिंट ना करवाएं, अदरवाइज आपका एनआईएस आपकी असाइनमेंट को कैंसिल कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपका आंसर क्वेश्चन जो है दूसरा के साथ, क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा, असाइनमेंट जो है यहाँ पर पहला का दूसरा आंसर के साथ। कमेंट लिखना ना भूलें, वीडियो पसंद लगे तो लाइक कीजिए, नए होंगे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे खास बात, आप सभी ने हमारा अपना कीमती समय देकर हमारे वीडियो को देखिए, पसंद किए, लाइक किए, शेयर किए, इन सभी काम करने के लिए आप सभी को हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। तो फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।